इन पांच फिल्मों में अमिताभ बच्चन पर भारी पड़े थे विनोद खन्ना। सिर्फ एक बात पर 1978 के बाद कभी नहीं किया था साथ काम। दोस्तों, दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना का नाम 70 के दशक में दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार था। वह एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो सीधे तौर पर अमिताभ बच्चन को टक्कर दिया करते थे। आज हम विनोद खन्ना से जुड़ी एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 70 के दशक में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स ऑफिस को दी हैं। इस जोड़ी को काफी पसंद भी किया जाता था, लेकिन दूसरी ओर चर्चाएं हमेशा यही होती थी कि विनोद खन्ना हमेशा अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ते रहे। कहा तो यह भी जाता है कि उस दौर में विनोद खन्ना एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे। लेकिन साल 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हो गया था कि विनोद खन्ना अमिताभ से इस कदर खफा हुए कि उनके साथ फिर उसके बाद कभी साथ काम ही नहीं किया। सबसे पहले आपको उन पांच फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसमें विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन पर भारी पड़े थे। साल 1975 में आई फिल्म थी जमीर, जिसमें ये दोनों एक साथ दिखे थे। 1976 में आई थी फिल्म हेरा फेरी, जिसे प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया था। सतीश भटनागर और विजय कौल ने इसे लिखा था और सत्येंद्र पाल द्वारा निर्मित यह फिल्म 10 सितंबर 1976 को रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना अभिनीत, सायरा बानो, विनोद खन्ना, सुलक्षणा पंडित, श्री राम लागू, असरानी और पीचू कपूर थे इस फिल्म में। यह फिल्म दो बदमाशों के बारे में है जो अमीर लोगों को लूटते हैं, लेकिन जैसे ही विजय की मुलाकात पीके से होती है कहानी में नया मोड़ आ जाता है। 1977 में आई फिल्म परवरिश थी। इस सदाबहार फिल्म और अमिताभ और विनोद की हिट जोड़ी ने इसे एक बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दिया, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया, के शुक्ला ने लिखा और ए नडियारवाला ने इसका निर्माण किया, जिसमें शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, शबाना आजमी, कादर खान और अमजद खान शामिल हैं। यह दो लड़कों की कहानी है। अमित एक डाकू का बेटा था और दूसरा किशन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी DSP शमशेर सिंह का बेटा था। दोनों का पालन पोषण शमशेर सिंह ने किया, लेकिन बाद में अमित एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर बन गया और किशन शिक्षक बनकर तस्करी करने लगा। जब दोनों अमित को यह बात पता चलती है तो पासा पलट जाता है। 1977 में आई फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। यह बॉलीवुड क्लासिक कल्ट फिल्म मनमोहन देसाई द्वारा उसी वर्ष की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसे कादर खान ने लिखा था और मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, शबाना आजमी, निरूपा राय, प्राण, जीवन, हेलेन और रंजीत इस फिल्म में थे। आज के दौर के हिसाब से यह फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से 4.3 बिलियन के बराबर थी। इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग धर्मों में पले बड़े तीन भाई एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग पेशे में चले गए। बाद में वे मिलते हैं और कहानी का सुखद अंत होता है। यह कॉमेडी ड्रामा फिल्म इतनी लोकप्रिय थी कि बाद में इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देशों में बनाया गया। अगली फिल्म 1978 में आई थी, फिल्म था मुकद्दर का सिकंदर। इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी, रेखा, रंजीत, अमजद खान, निरूपा राय और कादर खान शामिल हैं। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और निर्मित और कादर खान, विजय कौल और लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा यह लिखित फिल्म है। यह फिल्म कुछ हद तक बंगाली उपन्यास देवदास से प्रेरित थी। दशक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म बन गई और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर भी हुई। यह सिकंदर की कहानी है, जो एक अनाथ लड़का था जिसे एक मुस्लिम महिला ने पाला था। कभी कभी उसने पुलिस की मदद करना शुरू कर दिया और अपने पुरस्कार प्राप्त किए और जल्द ही शहर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन वह अभी भी अपने बचपन की क्रश कामना से प्यार करता था। यह अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की एक साथ आखिरी फिल्म थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन पांच फिल्मों में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ गए थे। दरअसल अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में आए थे तब विनोद खन्ना पहले से बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके थे और लोग विनोद खन्ना के अभिनय के दीवाने थे। लेकिन साथ में इतनी सारी फिल्में करने के बाद ऐसा क्या हो गया था कि विनोद खन्ना ने अमिताभ से दूरी बना ली थी? कहा जाता है कि फिल्म मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना पर एक ग्लास फेंकना था और विनोद को उस ग्लास से बचना था, लेकिन डायरेक्ट
डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन कहा, अमिताभ ने जोर से ग्लास को विनोद खन्ना पर फेंका, लेकिन विनोद खन्ना सही समय से झुक नहीं पाए और ग्लास उनकी ठुड्डी पर जाकर लगा, जिसके बाद उनका चेहरा लहू लुहान हो गया था और उन्हें 16 टांके भी लगे थे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उन्होंने अमिताभ से दूरी बना ली थी और फिर दोबारा कभी उनके साथ काम ही नहीं किया था।